रिस्क हलाल इबादत है, जिंदगी का हासिल, ये बेहतरीन जुमला हमारे यहाँ हर नोट के पीछे लिखा है। लेकिन जब इसी रिस्क हलाल को रिस्क हराम बनाकर कमाने, जमा करने के सबूत और वाकयात हमें सिंध, पंजाब और केपीके में मिले, बलोचिस्तान जैसे पसमांदा सूबे के सेक्ट्री खजाना के घर से 73 करोड़ रुपए कैश, 4 करोड़ का सोना, प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट, डॉलर और पाउंड की गड्डियां और मुख्तलिफ शहरों में खरीदी गई जायदादों के कागजात बरामद हों, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अब करप्शन का कैंसर हमारे मुल्क की जड़ों में फैल चुका है, अब इसका खात्मा जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर आदमी जवाब दे हो, ऐसा निजाम हो जो हर एक से जवाब ले, जो जितने बड़े मनसब पर हो वो उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी से खुद को क्लियर कराए। लेकिन क्या हम हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं इसके लिए तैयार हैं? क्या वो वाकई जवाब देना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल इक्तदार की राहदारियों में गर्दिश कर रहा है। लेकिन पहले आपके चक्कर में एहतसाब सियासत के पांव में रोता पीटता नजर आता है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 खिताब के बाद अब 4थे खिताब में अपने सादा से अंदाज में कौम को ये बता सकते हैं कि उनके बेटों के असासे कैसे बने? या ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है?